रिपब्लिक डे आजकल दो तरीकों से मनाया जाता है, एक जो सरकार राजपथ नगर पे मनाती है और दूसरा जो आम जनता आजकल मनाती है सड़कों पे। पिछले साल हुआ था 26 जनवरी शाहीन बाग में, इस साल दिल्ली के बॉर्डर पे हो रहा है ट्रैक्टर रैली। CAA NRC प्रोटेस्ट और फार्मर प्रोटेस्ट में एक साल का फैसला हो चुका है और इन एक साल में ना जाने कितने लोग सड़क पे आए, प्रोटेस्ट किए, डंडे भी खाए। रिपब्लिक डे के इस पावन अवसर पर हम सलूट करते हैं उन लोगों को जिन्होंने अपनी आवाज उठाई और एक बेहतर कल की मांग की। ये वीडियो आपके अपनी आवाज और हौसले को बुलंद करने में मदद करता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करिए। हमारे संविधान आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 ये कहती है कि सरकार किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ धर्म, जात, रेस, सेक्स और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। पर जब बात आई धर्म के आधार पर नागरिकता देने और लेने की, तब बवाल हो चुका। ये धर्म को पहली बार ऐसे मूल आधार बनाया जा रहा था। गुवाहाटी, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, कलकत्ता, मुंबई, लगभग 17 शहरों में बहुत सारे कॉलेज के कैंपस में जोरों शोरों से प्रोटेस्ट हुआ। कोई कितना भी प्रोपेगेंडा फैला ले, भारत की एकता को तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन देश के लोगों ने दिखा दिया कि भारत की सेकुलरिज्म की नींव बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जड़ से मजबूत है। और अभी भी धर्म के नाम पर लोगों को डिवाइड करना इतना आसान तो नहीं होगा। प्रोटेस्ट में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, स्टूडेंट से लेकर सेलिब्रिटीज तक, सब ने इस एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई। 1905 की हिस्ट्री को रिपीट कर दिया गया। जब अंग्रेजों ने बंगाल में हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड करना चाहा, तब हिंदू और मुसलमान एकता के सामने 1911 तक उनको घुटने टेकना पड़ा। शायद यही नई हिंदुस्तान है, इसकी कल्पना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने की थी। पिछले एक साल में एक ऐसा क्राइसिस हुआ, टेक्निकली प्रोटेस्ट तो नहीं था, उसमें भी लाखों लोग सड़क पर उतर रहे। माइग्रेंट लेबर सड़क पर तो निकले, पर उनकी दशा देखकर आंखों से आंसू हम सबको आए। कारण वही पुराना कीपिंग द कंट्री इन सस्पेंस और अचानक से एक बड़ा कुछ अनाउंसमेंट कर देना। सरकार की ऐसी डिसीजन से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है माइग्रेंट लेबर्स, वर्कर्स और डेली वेज वर्कर्स, चाहे वो डीमोनिटाइजेशन हो या फिर लॉकडाउन। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं जब आई 100 से 1000 किलोमीटर जर्नी पैदल करते हुए, उनके पैरों पर छल्ले, आंखों में आंसू और असहाय होने की दर्द देखकर लोगों की दिल भर आए। और यही एक अलग चीज है हमारे। महान क्यों है कि शायद इसीलिए कि जब लोगों को जरूरत पड़ती है और सरकार अपने जिम्मेदारियों से पीछे हट जाती है, तो अक्सर लोग ही आते हैं सड़क पर एक दूसरे की मदद करने के लिए। ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच का हूं, कुछ और चल रहा है मुझे, आई डोंट नो। नहीं नहीं, अभी मैं बाहर से हूं। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं? 30 सितंबर 2020 को कुछ ऐसा ही हुआ जिसको देखकर देश की रूह कांप गई। हाथरस गैंग रेप केस, ऊपर से पीड़िता के घर वालों को घर में बंद कर दिया गया। प्रशासन ने विक्टिम की बॉडी को रात के सन्नाटे में जला दिया। जर्नलिस्ट को हाथरस की स्टोरी करने से मना कर दिया गया। स्टिक बॉर्डर्स को सील कर दिया गया। कुछ जर्नलिस्ट के फोन भी टैप्स हुए और कुछ अरेस्ट भी हुए। फाइनली इतने प्रोटेस्ट हुए कि CBI को भी आना पड़ा। और कुछ ही दिन पहले CBI ने चार्जशीट पे ये लिखा है कि उस पीड़िता के साथ गैंग रेप और मर्डर दोनों हुआ था। 70 दिन हो गए फार्मर को प्रोटेस्ट करते हुए। पिछले 70 दिन में 140 मौतें, हड्डियां गला देने वाली ठंड में बारिश, घर परिवार से दूर सिंघू बॉर्डर पर, गाजी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। 2020 में हमारे स्टूडेंट, एक्टिविस्ट, लॉयर, वर्कर्स, फार्मर्स सब आए सड़क पर। ऐसे एक समय में जब महंगाई आसमान में है, पेट्रोल डीजल के खर्चे, हायर एजुकेशन और प्याज भी सीरियस आइटम बन चुका है, आज रिपब्लिक डे में हम एक प्रॉमिस तो कर ही सकते हैं कि हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। कभी भी कोई भी अगर हमें जाति, धर्म, लिंग और प्रांत के आधार में बांटने की कोशिश करे, तो हम उस बंटवारे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सारे फैक्ट्स आपसे शेयर करने से, दिलों में हौसला और एक शानदार कल की उम्मीद जगाने से मुझे फर्क पड़ता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और पसंद आया तो आप लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए आप बेल बटन भी दबा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।